हाय एवरीवन, दिस इज़ साइरस। और आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल है। आज का वीडियो जो है जो मेरी खुद की कहानी है, किस तरह से मैं 60 किलो से 80 किलो पहुंचा और मेरा जो फिटनेस के प्रति जो प्यार था उसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा से जिम ज्वाइन करना चाहता था, हमेशा से मैं फ़िट रहना चाहता था। तो जब मैंने स्कूलिंग कम्प्लीट की, जब मैं 12th क्लास में था, 18 साल का था, तब मैंने 5-6 महीने जिम ज्वाइन किया। उसके बाद जिम छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा मैं कॉलेज जाऊंगा तो उसको तब जाके जिम ज्वाइन करूंगा कॉलेज। फिर मैंने सोचा यूनिवर्सिटी में चला जाऊं एक बार ही, तब जिम ज्वाइन करूंगा। यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट हो गई। फिर मैंने सोचा मैं एक बार जॉब शुरू कर दूं तो मैं तब जिम ज्वाइन करूंगा। दोस्तों, ऐसे करते करते 10 साल निकल गए। मैं 18 साल से कब 28 साल का हुआ मुझे पता भी नहीं लगा, तो मैंने जिम ही ज्वाइन नहीं किया। लेकिन मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं एक पैशन ज़रूर था। बेशक 10 साल गुजर गए, लेकिन फिर मैंने जिम ज्वाइन किया और उसके बाद मैं रेगुलर हो गया। मैंने जिम छोड़ा नहीं। आप यकीन मानेंगे, जब इंसान रेगुलर जिम जाता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपकी स्किन क्वालिटी बेटर हो जाती है, आपका बालों का टेक्सचर बेटर हो जाता है, आपके नेल्स बेटर हो जाते हैं, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आप में जो फैट परसेंटेज कम होता है, आपका मसल मास बढ़ता है। मैं 60 किलो से 80 किलो तक पहुँच गया और दुनिया का जो देखने का नज़रिया है आपको वो बदल जाता है। दोस्तों, मेरा जहन, मैं खुद वही रहा, मेरा जहन वही रहा, लेकिन दुनिया आपसे आके पूछती है, अरे यार तेरे तो दाग धब्बे बहुत थे, कैसे चले गए, तू इतना वजन कैसे गेन कर लिया। मेरे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन था, दाग धब्बे थे, पिंपल्स थे। और समहाउ जब मैं फिटनेस के राह पे चला, जब मैंने जिम रेगुलर किया, उसके बाद मैंने अपनी डाइट पे भी फोकस किया और मैं काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। लोग आके आपसे टिप्स मांगना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, फिर डाइट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नेचुरल प्रोटीन लेते हैं तो बहुत अच्छा है, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, मैंने जितने भी ब्रांड ट्राई किए हैं, मुझे लगता है माय प्रोटीन इज़ द बेस्ट वे प्रोटीन आई हैव एवर यूज्ड, क्योंकि इतना लाइट है, उसका टेस्ट इतना अमेजिंग है, उसका परफॉर्मेंस इतना बेहतर है और इतनी लाइट है, वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट होता है, अब्सॉर्ब होता है कि पता भी नहीं लगता और कभी भी आपको ब्लोटिंग या हैवीनेस फील होता ही नहीं है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद माई प्रोटीन। और अभी वैलेंटाइंस डे है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। और वैलेंटाइंस पे माई प्रोटीन की तरफ से बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा। आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वेबसाइट पे जाइए। अगर आप 10,000 जाएँ या उससे ज़्यादा खरीदते हैं तो आपको कोड यूज़ कर सकते हैं हेल्दी साइरस 25, आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपका जो टोटल अमाउंट 10,000 से नीचे है तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको हेल्दी साइरस 10 जो कोड है वो लगाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मैं लिंक डाल दूंगा। दोस्तों, आपको वैलेंटाइंस की बहुत बहुत मुबारक हो, आप खुशी खुशी मनाइए ये। और ये मेरी कहानी थी दोस्तों, जिम जाने के बाद किस तरह से मेरी ज़िंदगी बदल गई, डाइट पे मैंने फोकस किया और आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद माय प्रोटीन, जो कि अब मेरा बेस्ट वे प्रोटीन है। मैं हर रोज़ इसे कंज्यूम करता हूँ। दोस्तों, वैलेंटाइंस पे आप ये ऑफ़र ले सकते हैं, 25% डिस्काउंट, बहुत अच्छी बात है। एक ऑथेंटिसिटी की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, वो सॉल्व कर दी है माय प्रोटीन ने, क्योंकि जल्दी ही इंडिया में इसका वेयर हाउस खुल जाएगा में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। और अभी आपको यूके से ही आएगा, जो कि 100% प्योर और ऑथेंटिक होगा प्रोडक्ट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ग्रोइंग, स्प्रेड द लव एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लेना। थैंक यू।